दोस्तों, देश का एक राज्य उत्तर प्रदेश यानी के राम राज्य, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी की सत्ता है। और आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ की सत्ता यानी के भाजपा की सत्ता है। इस राम राज्य में अब गौ माता सुरक्षित नहीं है और गौ माता के साथ साथ उसकी जो बछिया होती है वो भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहां पर एक गौ माता के साथ किसी ने रेप कर दिया है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में सारी जानकारी लेने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पूरी खबर क्या है जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में गाय और एक माह की बछिया के साथ रेप का मामला सामने आया है। गाय के मालिक ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस के एक अफसर ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाय और बछिया को पशु चिकित्सालय में इलाज के लिए भेजा गया है। घटना बरेली के सुभाषपुर थाना क्षेत्र की है। यहां गणेश नगर के रहने वाले मनोज मिश्रा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और घर के पास में खाली प्लाट में उन्होंने दो गायों पाल रखी है। बताया जा रहा है कि एक माह पहले ही एक गाय ने बछिया को जन्म दिया है। मनोज मिश्रा का कहना है कि वो रोज़ की तरह प्लाट में ताला लगाकर घर पर चले गए थे। जब वो प्लाट पर वापस आए तो बछिया के और गाय के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। इसके बाद तत्काल उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस को सूचना देने के बाद उन्होंने पशु चिकित्सक अधिकारी को भी इसकी सूचना दी। पशु चिकित्सक ने एक टीम भेजकर गाय की और बछिया की जांच पड़ताल शुरू कर दी और जांच पड़ताल के बाद टीम ने ये पाया कि गाय और बछिया के साथ दुष्कर्म हुआ है। अब ये मामला पुलिस थाने चले गया है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। पशु चिकित्सक राजेश कुमार यादव ने बताया कि पहली नज़र में दोनों पशुओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटना का एहसास हो रहा है। हालांकि दोनों पशुओं के सीमन निकालकर लैब के लिए जांच को भेजा गया है। वहीं पुलिस ने गाय के मालिक मनोज मिश्रा की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। घटनास्थल के पास पुलिस को जाँच में मोबाइल का सिम और बीड़ी का बंडल मिला है। वहीं रस्सी भी मिली है जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से योगी आदित्यनाथ के राम राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में अब गाय भी सुरक्षित नहीं है। वैसे ही सारी खबर को लेकर आपके मन में क्या सवाल आता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ।